नमस्कार, आप देख रहे हैं यस टीवी और यस टीवी आज आपको लेके जा रहा है यमुनानगर से 45 किलोमीटर दूर है आस्था केंद्र बना कालेश्वर महादेव मठ, जो कि शिवालिक की पहाड़ियों की तलहटी में बसा हुआ है। महाकालेश्वर मठ बहुत ही प्राचीन मंदिर है। कहा जाता है कि इस मंदिर में पूजा अर्चना करने से मन की मनोकामना पूर्ण होती है। सावन मास में और शिवरात्रि में इस मंदिर में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ होती है। यहाँ का वातावरण बहुत ही शांत और हृदय को सुकून देने वाला है। यहाँ पर 9 राशियों का मंदिर भी है, जहाँ पर पुराने देवी देवताओं की बहुत सारी मूर्तियां आपको देखने को मिलेंगी। यहां पर एक ही तने में पीपल, बरगद और आंवला का वृक्ष मिलेगा, जो बहुत ही प्राचीन है। और कहा जाता है कि इन तीनों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश विराजमान रहते हैं। कहा जाता है यहाँ पर एक राम सेतु का पत्थर भी है, जो पानी पर आज भी तैरता है। आपको बता दें कि इस कोरोना काल में भी, इस सावन मास में भी श्रद्धालुओं का यहाँ पर आना काफी कम है, क्योंकि कोरोना काल के कारण श्रद्धालु भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। यहाँ पर कई रोगों को ठीक करने का जल भी दिया जाता है, लेकिन इस कोरोना काल के कारण अभी वो जल भी श्रद्धालुओं को नहीं दिया जा रहा है। यस टीवी के साथ आपको यहां का सफर कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपसे कहते हैं कि जब भी यमुनानगर आएं तो कालेश्वर महादेव मठ जरूर आएं। यहां पर इनके दर्शन करने से काफी कामनाएं पूरी होती हैं और मन में एक शांति मिलती है। ऐसी ही वीडियो के लिए देखते रहिए यस टीवी। नमस्कार।